सीएम साहब से उसके बारे में कैबिनेट में बात हुई है और उसके बारे में जो जिन्होंने डबल डोज लिया है उनके बारे में सीएम साहब जल्दी निर्णय लेंगे और जिन लोगों ने डबल डोज लिया उनको लोकल ट्रेन में अलाउ करने का निर्णय जल्दी लिया जाएगा। इसके अलावा आम जो जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे बिजनेस हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि टाइमिंग्स को लेकर जो है 4 बजे तक, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में उनके भी जो रिप्रेजेंटेशन आए थे तो उसके बारे में सीएम साहब एक पूरा नई ब्रेक द चेन जो अपना उनका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोकल ट्रेन से लेकर जितने भी व्यापारी है उनकी जो भी सजेशन है उस हिसाब से एक नई गाइडलाइन आने वाले 2-3 दिन में लोगों के सामने रखेंगे। ये डिफिकल्ट है लेकिन अभी थर्ड वेव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी थर्ड वेव में जितने भी डबल डोज जिन्होंने लिए उनके बारे में एक विचार करने का, अभी पॉजिटिव विचार करने का स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। 2-3 दिन में उसकी गाइडलाइन लोगों के सामने रखेंगे। Known to him, he is my personal friend. That's why I am here. ये जो इधर का IBS इन्होंने जो बनाया है बहुत बढ़िया IBS बनाया है, जगह भी बहुत काफ़ी सिलेक्शन भी अच्छा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, लोगों को भी बहुत अच्छा सर्विस तो ये तो पहले से दे ही रहे, लेकिन अभी भी इसमें इनको और भी लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, बेस्ट विशेष। आदमी को लेकर तो व्हाट यू से ऑर्डर, एक्चुअली आई लाइक द स्कीम, द थीम ऑफ इट, एंड आई व्हेन आई हर्ड अबाउट इट इनिशियली आई वाज अ लिटिल बिट पजल्ड बिकॉज द ओल्ड लेडी लाइक मी व्हाट शी विल डू कमिंग ओवर हियर फॉर इनॉग्रेशन, बट व्हेन आई हर्ड इट देन आई थॉट दैट इट इज देयर वे of showing the honor and respect towards the uniform people. So many times we feel it. We can't go on the border, but इधर रह के इन्होंने जो ये नया बनाया है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि so many times we feel that people forget us. Once the sacrifice is done, initially all the people say जय हिंद अमर रहे और बाद में सारे भूल जाते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि ईच एंड एवरी वन, स्मॉल वन, एल्डर वन, फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द सिटी, एवरी वन लुक्स टू बी मोर अट्रैक्टिव, मोर नाइस, ही वॉन्ट्स टू कैरी हिमसेल्फ वेरी नाइसली रिगार्डिंग हेयर स्टाइल एंड ऑल दिस थिंग्स, वी आर वेरी वेरी कॉशियस, सो ही इज डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी। आई मस्ट थैंक यू। यू चूज दिस थीम एज सच, इंस्पायरिंग है काफी, तो क्या जो आर्मी पर्सनल को क्या कुछ डिबेट मिलेगा यहाँ पे है तो? नहीं नहीं, उनको ऑफ कोर्स उनको डिस्काउंट तो मिलेगा ही है, और जितनों से भी अपने को दिल से तन मन से मतलब अपन उनको सल्यूट करते हैं। एक बहुत छोटे से बचपन से था मुझे ऐसा कुछ करना है, कुछ करना है, ये आज मेरा 22 आउटलेट है, ये फर्स्ट टाइम अपने सिवा सल्यूट करके इसमें स्टार्ट किया है। सब लोग सब मेहमान लोग आए हैं, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, ये अभी ट्रेंड है, पूरा स्पोर्ट्स मैन लोग भी पूरा हेयर कट पूरा आर्मी जैसे शॉर्ट करके दाढ़ी बढ़ा के थोड़ा उसमें भी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फेदर कट फेड कट सब अलग अलग स्टाइल कराते हैं। यस सर, यस सर, आई एम हैप्पी, मतलब यहाँ पे क्राउड आएंगे, अभी से बहुत इंक्वायरी स्टार्ट हो गया है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि अपना 33 ईयर्स हो गया ये फील्ड में, उसकी वजह से सब लोग को मालूम है, शिवा को जानते हैं सब लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Inspiring, you know, based on the country's
एज यू विश जो आप नमस्कार, मैं कमल किशन, मैं यहाँ पे आज शिवा सलूट के उद्घाटन में आया हूँ। ये आज हमारे साथ ये शिवा खड़े हैं जिनका सफ़र आज से 33 साल पहले शुरू हुआ था। ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। इनका कॉरपोरेट पॉलिटिकल और बॉलीवुड में बहुत नाम है। ये हमारी यहाँ की जो महाराष्ट्र की फर्स्ट फैमिली है, श्री बाला साहब ठाकरे, ग्रैंड चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे श्री आदित्य ठाकरे जी के, उनके फैमिली के हेड ड्रेसर हैं। और अभी हमारे जो ग्रैंड गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब, उनके भी ये हैं। इन्होंने अपनी बुक्स भी लॉन्च की हैं। तो बुक्स का जो उद्घाटन था इंग्लिश में, वो श्री हमारे अमिताभ बच्चन जी ने किया था, ऐसे मराठी में श्री आदित्य ठाकरे में, और ये कर्नाटका को बिलोंग करते हैं तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में भी बुक लिखी है। ये आज अपनी गाथा को आगे बढ़ाते हुए, इनका 22nd सलून है, बॉम्बे में है, मैंगलोर में भी है, शिवा हेयर डिज़ाइनर लिमिटेड आज एक कदम आगे बढ़ रहा है। शिवा सल्यूट, ये जो जहाँ पे भी हम खड़े हैं अभी आप देख रहे हैं, ये शिवा सल्यूट का नाम, ये हमारे जो मेरे जैसे जो आर्म फोर्सेस से, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के वेटरन्स और अभी जो सर्विंग जवान JCOs जो भी कर रहे हैं, उनके लिए इनके अपनी तरफ से एक सल्यूट है। ये भी आप देख रहे होंगे जो बच्चे हैं, ये अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा नया काम कर रहे हैं। ये बच्चे अभी आर्मी अटायर में हैं, पूरी तो नहीं कर सकते बट टाइप, जैसे अभी देख रहे हैं हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, हमें, मैं बॉम्बे में, मैं यहाँ से कुलाबा से मेरी रिटायरमेंट हुई थी तो वहाँ हम स्पेशली बॉम्बे में, मुंबई में और साउथ में अपनी जो आर्म फोर्सेस के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे हर घर से वहाँ पे हैं तो सभी को पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यूनिफॉर्म में था तो मैं एयर इंडिया के ऑफिस में, मैं दिल्ली जाना था तो टिकट लेने के लिए वहाँ पर मैं अपनी जिप्सी से उतरा तो ऐसे फुल यूनिफॉर्म में था। तो ऐसी एक वहाँ पे मर्सिडीज़ में, वहाँ से जैसे मैंने टावी सूट बूट पहना हुआ है, ऐसे सूट बूट वाले निकले उतरे तो मेरे से पूछा उन्होंने, पता नहीं किसी ऑफिस का मेरे को पूछा, तो ही थॉट मी एज ए सिक्योरिटी पर्सन मेरे को तो मेरे को जो सिक्योरिटी वाला था ना वो समझा उन्होंने जैसे उसमें, तो मेरे को बहुत पहले धक्का लगा, फिर मैं समझ गया मैं भी यहाँ पर ही है। तो इसलिए ये शिवा को मैं बहुत आभारी हूँ, ये अपनी तरफ से, जैसे ये इनको है हमारे जो सिविल जो बच्चे हैं उनको ये मोटिवेट करेगा, उनकी मोटिवेशन के लिए। जैसे अभी आप देखते हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जो चारों तरफ से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने फौज में भी, हमने सारे इंसर्जेंसियाँ, हमने कारगिल में भी, पंजाब, JNK में तो सारी उम्र ही रहे हैं, कारगिल, ऐसे ही फिर मणिपुर, नागालैंड, असम, सभी इंसर्जेंसियाँ, और उससे पहले चलो मैं सिर्फ एक थी, मैं जो IPKF श्रीलंका में नहीं गए, बाकी सभी जगह पे अगर आपने देखा हो, बॉम्बे में भी यहाँ पे रेल में बम ब्लास्ट होते थे, ये होता था, तो सब कुछ ही हमने देखा है। अभी भी देखे, फिर वही अफगानिस्तान के भी देख लें, फिर वहाँ पर अमेरिका चला गया, अभी फिर तालिबान का वो सिस्टम होएगा, सिस्टम फिर वो अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर शुरू किया वार्तालाप JNK में, तो ये सर्कल ऐसे जो है साइकिल रिपीट होता रहता है। हम चारों तरफ से घिरे हैं, हमारा सब दुश्मन ही है, साथी कोई नहीं है। तो इसलिए जो हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमने तो जो करना था वो किया, अब भी गाइड करते हैं, अब मैं करता हूँ जो उसमें, तो नेक्स्ट जनरेशन का ये हमें जो अपनी जो सेल्फ डिफेंस है, अभी आपने अपनी हर एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी रखते हैं, किस लिए? आपकी डिफेंस के लिए। इस प्रकार देश की भी डिफेंस है, उसको मजबूत नहीं होगी तो ये तो वो काटने को बैठे हैं, उनको मौका मिलने की जरूरत है, चाहे पाकिस्तान है चाहे चाइना है,
जो कुछ है, नोबडी वांट्स टू सी यू ग्रोइंग, चाहे अमेरिका हो या कुछ हो, आप किसी कह सकते हैं। तो ये है, ये इनकी तरफ से जो जो सल्यूट का खोला गया है। तो मैं एज ए वेटरन मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं दुर्गे माँ से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने ऐसे ही अपने मकाम में आगे आगे बढ़ते जाएं और दो दुगनी चार मेन तरक्की करें, तरक्की इनकी होती रहे और ऐसे दुनिया को मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू शिवा शैम, थैंक यू वेरी मच। मीडिया आया है, बच्चों में अवेयरनेस आ रही है, तो अवेयरनेस आ रही है तो अफसर बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ हमारे बीच में मैडम आप भी प्लीज़ आएंगे यहाँ पे, इनके बेटे थे वो भी आर्मी में जेएनके में शहीद हो गए थे, तो बहुत बड़ी उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी है कुर्बानी की है, हम सभी जानते हैं। तो देश के लिए अभी मैं इनको सलूट करता हूँ। एक माता होने के, एक मदर होने के नाते आप कैसे फील करते हैं, तो हमें भी गर्व होता है, मैं एज ए वेटरन भी और मैडम को भी गर्व है, गर्व होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। एंड व्हेन आई लॉस्ट माय सन आई थॉट दैट ऑल द पीपल इन यूनिफॉर्म आर इक्वल टू माय सन, नॉट ओनली दैट बट आई हैव स्टार्टेड राइटिंग एन नंबर ऑफ बुक्स रिगार्डिंग देयर अचीवमेंट्स। एज ही टोल्ड नोबडी इन महाराष्ट्र और एनी सदर्न पार्ट नोबडी नोज अबाउट देयर डीड्स, सो आई हैव रिटन 20 बुक्स विच आर डिवोटेड टू द सोल्जर, शौर्य भाग 1, 2, 3, सियाचिन। अभी कारगिल के ऊपर भी मेरी 26 विजय दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नर हाउस पे किताब लॉन्च हो रही है, और परमवीर चक्र विजेता, वॉट आर द प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस फॉर द वीर नारीज वीर माता प्रॉब्लम, वी हैव द प्रॉब्लम्स बट हु आस्क अस एंड हु सॉल्व्स देम, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट नोबडी कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प अस, not me but there are so many wives and mothers who are in expectation. Regarding the young people, I think I have visited not hundreds, thousands of schools and colleges. Initially they are very very encouraging, but continuous encouragement is required for them, because it is not very easy thing to become a soldier, simple soldier, officer ki to baat hi chodo. So you have to be trained from the childhood how to become a soldier. So I hope the media people will take it as a challenge, right, and they will carry it out, because in next generation it is very very required. As he told, not only he is talking about only the borders, I will say inside India also we are so many. Yeah so to fight chahiye. Thanks all, thanks all. I'm very glad to be here today at Shivaj Salute, and this is one of the major dream project of Shivaj since I know him for last 20 years, and he was always dreaming that he should do something for the country, for the defense forces specifically, after such a high stint of defense in the country. In last 3 years he has been wanting that he should do something which he really wants to contribute to the defense. So finally here we are at the complete creation of the idea into a realistic happening today, and that is salute. We salute the defense forces. We have ex-navy, ex-army with us, and we are actually wanting to contribute, what Shiva's idea is, to contribute some part of the revenue to the armed forces, and like the Army Welfare Wives Association and the Weather Arms for Armed Forces, a contribution to the Armed Forces Welfare Association. Under that context, I think this is a very fantastic move and a highly privileged move to, you know, a very dedicated move, in fact, sincerity towards the country. And I would really like to congratulate Dr. Shiva on this wonderful idea and brainstorm, which he always comes out with something really creative. So congratulations once again to all of you all also for being a part of this
a dedication to the nation, I would say, as what salute means to all together. Thank you so much. Thank you. Max in the Navy. It was very pleasing to note that Dr. Shivaji, Mr. Shiva, is really blessed by Almighty, not only by his name Shiva, but the way he has given shape to his good thinking, positive, affirmative thinking, and especially for the defense forces who really guards the country. And I wish them great and grand success in their projects and wish him all the best. God bless their family and everybody. Thank you.